हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल LCS इन हिंदी। तो आज प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है कि 3 मई तक हमारा कंट्री पूरा लॉकडाउन रहेगा। तो एक चीज़ है कि कल एक और भी सर्कुलर आया था जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, कि जो भी कॉलेजेस है उसका जो समर वैकेशन है उसका ड्यूरेशन है फ्रॉम 15 अप्रैल टू 15 मई। सो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि आपकी मेरी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, तो एक क्वेश्चन मार्क है उनके लिए, क्योंकि अभी आप देखे तो उनको अरेंज करने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ द समर वैकेशन, राइट। सो समर वैकेशन कंप्लीट होने के बाद जब भी हम 16 मई को कॉलेज जाते हैं तो अभी वो सर्कुलर निकालेंगी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने हैं स्टूडेंट के, और जो भी है दूसरी फॉर्मेलिटी दे विल अरेंज द टाइम टेबल, और जो हॉल टिकट प्रिंटिंग करनी है ये सारी चीज़ है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आई थिंक ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं जो स्टूडेंट के माइंड में है। तो आई थिंक 99% पॉसिबिलिटी है कि मास प्रमोशन हो जाए फ्रॉम सेमेस्टर 2nd to 6th, बट फाइनल ईयर की एग्ज़ाम तो होगी, क्योंकि जो मोस्ट वेटेज होता है प्रोजेक्ट का तो वो तो एसेस करना ही पड़ेगा, राइट। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपने अभी तक आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीशन नहीं किया तो एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है कि आपकी एग्जाम होगी कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि फाइनल में वो बोल दे कि सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम ही होगी, तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाओगे जो आपने कम्प्लीशन नहीं किया होगा। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप उस पर स्पेंड कीजिए प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपको कुछ सीखने ही मिलने वाला है प्रोजेक्ट में से, राइट। सो आप वो टास्क कंप्लीट कर दीजिए, और जो बाकी बचे प्रैक्टिकल्स है, असाइनमेंट है, ट्यूटोरियल्स है, वो सारी चीज़ आपको अभी भी पेंडिंग है तो वो कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए, और जो दूसरे सब्जेक्ट है वो पढ़ना चालू ही रखिए आप, क्योंकि अराउंड 1 to 2 आवर्स यू कैन स्पेंड विद ईच सब्जेक्ट एवरी डे। सो आपका नॉलेज भी रिवाइज होता रहेगा, मीन्स सॉरी सब्जेक्ट का कोर्स भी रिवाइज होता रहेगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी जब भी आपकी एग्जाम कंडक्ट हो, राइट। तो ये था हमारा जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। बट एक और न्यूज़ मैंने कल देखी थी टीवी में कि जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का जो एक NSUI प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट की यूनिवर्सिटी से कि सर पॉसिबिलिटी है तो ये सारे बच्चों को आप मास प्रमोशन दे दीजिए। आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल, जो चांसलर ने ऐसा कुछ मैसेज दिया है कि पॉसिबल नहीं है, बट जो UGC डिफाइन करेगा उस तरह से हम एग्ज़ाम लेंगे। तो ये जो पूरी कहानी है, इस एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, ये पूरा मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।